साहसी कमला, क्या है ये? पार्ट थ्री, क्लास फोर्थ, क्लास फोर्थ हिंदी। साहसी बालक, साहसी यानी कि बहादुर। साहसी कमला, कमला यानी कि बच्ची है, बच्ची का नाम क्या है? कमला है। साहसी यानी कि बहादुरी दिखाना, हमेशा बच्चियों को भी बहादुर रहना चाहिए। कभी भी कौन सा भी वक्त आए वहाँ पर उन्हें क्या करना, डट के सामना करना, उसका मुकाबला करना, ठीक है ना। कमला चौथी कक्षा में पढ़ती थी। कमला कौन सी क्लास में है? चौथी कक्षा में। सेम आपकी एज की है, आपकी क्लास की ही है। सो उन्हें क्या बोल रही है एक दिन, कमला चौथी कक्षा में पढ़ती थी। कमला कौन सी क्लास में पढ़ रही? फोर्थ क्लास में पढ़ रही। चौथी यानी कि फोर्थ, कक्षा यानी कि क्लास, पढ़ती यानी कि पढ़ना। कमला चौथी कक्षा में पढ़ती थी। उसके दोस्त रोज उसे कई बहादुरों के बारे में सुनाते थे। उसके फ्रेंड्स क्या करते थे? जो बहादुर लोग रहते थे ना, उनके बारे में सुनाते थे कि देखो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा चोरों को पकड़े थे, ऐसा पुलिस भी थी, ऐसा ऐसा ऐसे किस्से सुनाते थे। तो उसके दोस्त उसके सामने वो टॉपिक के, वो बहादुरी के बारे में उसकी टॉपिक सुनाते रहते थे। कमला को बहादुरों के बारे में सुनकर बहुत मज़ा आता था। तो कमला को क्या होता था, वो बहादुरों के बारे में सुन के उसको बहुत अच्छा दिखता था, बहुत मज़ा आता था। अरे बहादुरी इसको बोलते, उतना हिम्मत से डट के सामना करना पड़ता, वो ये बोल के इन्हें सोच के खुश होते रहती थी। वहाँ खुद बहादुरी करने के लिए सोचती थी, उन्हें भी क्या सोचती थी वो स्टोरी सुनने के बाद, अरे मैं भी ऐसा करना, ऐसा करे तो कैसा रहता, वो ये बोल के ऐसा सोचती थी, ठीक है ना। एक दिन कमला घर पर अकेली थी। एक दिन देखो क्या हो गया, एक दिन कमला क्या थी, अकेली घर पर थी। अकेली यानी कि घर में उनके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी नहीं थे, कमला अकेली घर में थी। तभी उसके घर में एक चोर घुस आया। देखे क्या हो गया, एक दिन कमला अकेली थी घर में, खाली बच्ची है। सो उन्हें एक दिन अकेली बैठी हुई थी, तो एक दिन क्या हो गया, घर में वो चोर देखा था, जैसा कब से देख रहा था कि अब घर में कोई भी नहीं है, खाली बच्ची अकेली है, बच्ची क्या करती हुई, बोले जैसा होशियारी से क्या करा, उनके घर में चोरी करने के वास्ते घुस गया कमला के घर में। वह सीधा कमला की माँ के कमरे में पहुँच कर तिजोरी निकालने के लिए कोशिश करने लगा। सीधा उन्हें क्या करा, उनके घर में घुस गया। घर में घुसा तो घुसा, किसके कमरे में घुसा, उनकी माँ के कमरे में। देखो बच्चा, बच्चों अलबत घर में क्या है, अलमारी किसके पास रहती है, अपने मम्मी उनके पास रहता। कुछ भी पैसे हो, जेवर हो, कुछ भी हो, यानी कि गोल्ड हो, सिल्वर हो, कुछ भी ऐसे अहम चीज़ा हो, वो सब कौन संभाल के रखते, मम्मी संभाल के रखते। तो वो मम्मी कुफल चाबी वगैरह डाल के करके तिजोरी को रखती। उस दिन क्या हो गया, उन्हें सीधा किसके कमरे में गया, उनकी माँ के कमरे में, और उनकी माँ की तिजोरी को ही खोलने लगा, क्योंकि असल चीज़ा सब किस में रहते, माँ की तिजोरी में ही रहता, ठीक है ना। तो उन्हें कोशिश करने लगा वो अलमारी की खोलने की। किसी के घर में आने की आहट पाकर कमला चौंक उठी और डर के मारे वहाँ से भागने निकली। क्या हो गया, किसी के घर में आने की, उन्हें एकदम घर में अकेली थी ना, और अलमारी में से ऐसा आवाज़ आ रही थी अलमारी खोलने की करने की, तो एकदम क्या करी, उन्हें डर गई, डर के क्या हो गई, उन्हें अंदर आ रहा सो फिर रहा सो ऐसी आहट आने लगी, महसूस होने लगा उसको, और हल्लू ने क्या करी, हैरान हो गई और डर गई, मैं अब क्या करूं क्या नहीं, वे बोल के मैं मारे वहाँ से भागने निकली, भागने के वास्ते निकल रही थी, भगाने निकली, उन्हें क्या करी, उसको भगाने को निकली। अरे इन्हें चोर आया यहाँ पे, इसको कैसा भी करके यहाँ से भगाना, वे बोल के सोच के ये करी। अचानक उसे बहादुरों के बारे में याद आ गया। उसे अचानक क्या याद आ गया, बहादुरें, जो बहादुरों के किस्से सुनाते थे ना उसके फ्रेंड्स, वो किस्से के बारे में याद आ गया। वहाँ निडर होकर माँ के कमरे के पास गई। वहाँ पे उन्हें क्या करी, धैर्य से यानी कि हिम्मत से क्या करी, उसके माँ के निडर यानी कि हिम्मत से क्या करी, उसके माँ के कमरे के पास गई। उसने वहाँ एक चोर को तिजोरी निकालते हुए देखा। उन्हें क्या करी, एक चोर वहाँ पर ठहरे हुआ है और उन्हें तिजोरी खोल रहा था, वो तिजोरी खोलने का देखा। सो यहाँ पे क्या बोल रही कमला, कि एक बहादुर के बारे में याद आ गया।
वहाँ निडर होकर माँ के कमरे के पास गई। उसने वहाँ एक चोर को तिजोरी निकालते हुए देखा। क्या करी उन्हें, माँ के कमरे के पास गई और क्या करी उन्हें, वो चोर तिजोरी खोल रहा सो आहट सुनी। उसके बाद वह धीरे से रसोई घर गई। उन्हें हल्लू से क्या करी, उशारे से रसोई घर यानी कि किचन चूल्हे के पास गई और वहाँ से एक बड़ी लाठी ले आई। और वहाँ से क्या करी उन्हें, बड़ी लाठी ले आई, एक बड़ी लकड़ी लेके डंडा, धीरे धीरे उस चोर के निकट चली। हल्लू हल्लू, निकट यानी कि चोर के पीछे पीछे, हल्लू हल्लू चोर के पीछे चली और उसने सारा बल लगाकर लाठी को उसके सिर पर पटक दिया। पूरा अपनी सारी ताकत लेके क्या करी, वो लाठी से उसके सर पर मार दी। वह एक चीख मारकर वहीं एकदम उलट गया। उन्हें क्या करा, जोर से चीख मारा। देखो यहाँ पे लाठी लेके उसके सर पे मार दी ना, उन्हें क्या करा, जोर से चीख मार के वहीं बैठ गया, चीख मारकर वहीं एकदम उलट गया। उसे बेहोश देखकर कमला की खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। उसको चीख मार के उन्हें थम से बैठ गया था, वो देखकर कमला क्या हो गई, खुश हो गई। इन्हें बहादुरों के किस्से सुनती थी हमेशा और वो सुन के खुश होती थी। आज वहाँ पर बहादुरी का काम कौन करे, कमला करी। इसीलिए बच्चों हमेशा अपन भी बहादुरी से रहना चाहिए। अगर अपन कहीं बाहर जा रहे, कहीं घर में अकेले हैं, तो हिम्मत से घर में रहना और हिम्मत से बाहर जाना, साथ में जाना, साथ में आना, हमेशा क्या है, हिम्मत रखना, ठीक है ना। वह एक चीख मारकर वहीं एकदम उलट गया। उसे बेहोश देखकर कमला की खुशी की कोई सीमा ना रही। इतने में उसकी माँ बाप घर आए। उतने में क्या हो गए, उसके माँ बाप घर को आए। किसके माँ बाप, कमला के माँ बाप। कमला के पिताजी चोर को बेहोश देखकर घबरा गए। चोर को देख के उनके पापा क्या करे, बेहोश हो गए। अरे ये क्या हो गया, हमारे घर में ये कौन आ गया, चोर आ गया था, क्या क्या उठा लेके जा रहा था, वो ये देखे एकदम क्या हो जाते, शॉक हो जाते ना अपन। अरे ये क्या हो गया, बच्ची अकेली थी घर में, वो ये बोल के ऐसा हो गए थे, उन्हें शॉक हो गए। कमला ने अपने पिताजी को सारी कहानी सुनाई और कमला क्या करी, उनके पिताजी को ऐसा ऐसा हुआ पापा, ऐसा ऐसा ये चोर आया था, मैं अंदर थी, हल्लू हल्लू उसकी आवाज़ आ रही थी, मम्मी की तिजोरी खोल रहा था उन्हें और सामान वे ले रहा था, मैं हल्लू से उसको देख के क्या करी, मेरे को याद आया और चूल्हे के पास जाकर क्या करी, मैं एक बड़ा डंडा ला के वो डंडा लेके उसके सर पे मार दी और उन्हें क्या हो गया, बेहोश हो गया, गिर गया वे बोल के बोली। पूरी कहानी सुनाई, पिताजी ने पुलिस को खबर पहुंची। उन्हें क्या करा, जल्दी से पुलिस को फोन करके बोला ऐसा ऐसा हुआ वे बोल के। पुलिस ने कमला की साहसी कार्य की बड़ी प्रशंसा की और उस चोर को थाने ले गए। क्या करे पुलिस, क्या करी, कमला की तारीफ करी। चलो कौन सी क्लास की बच्ची है, वो फोर्थ क्लास की बच्ची है, आप लोगों की एज की बच्ची है, आप लोगों की क्लास में पढ़ रही सो बच्ची है। आप लोगों को कभी दिन अकेले रहो करो बोले तो आप लोग कितना घबराते हैं। देखो बच्चों हमेशा अपन अकेले रहने की भी आदत डालना और बहादुरी और हिम्मत से हर काम का सहयोग करना। सही हर काम अपन बहादुरी से और होशियारी से करें ना तो हमेशा अपनी जीत रहेंगी। और यहाँ पर भी देखो कमला आपकी क्लास की है कि उसके घर में चोर आया तो कितनी होशियारी से लकड़ी लेके उन्हें चूल्हे के पास से। हमेशा ऐसे चीज़ें अपन भी घर में रख लेना, कभी कैसा सिचुएशन रहता नहीं मालूम, यानी कि इनको उनको नहीं, कभी कभी, ठीक है ना। और उन्हें लेके आके उसको मार के फिर उनके मम्मी ला आने के बाद पूरा सुनाने के बाद उसको ला फिर पकड़ के दिए पुलिस को। तो पुलिस भी क्या बोली, वाह कितनी बहादुर बच्ची है, चोर को पकड़ी हुए बोल के उसकी कमला की तारीफ करे। और वो चोर को ला काने लेके चले गए, थाने लेके चले गए। आज ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। सो इसको अच्छा सा एक बार रीडिंग करने की कोशिश करिए और अच्छा सा पढ़ने की भी कोशिश करिए और इसको एक बार रीडिंग, फिर एक बार मैं ये लेसन की रीडिंग करना सिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है ना। ओके थैंक यू, मैं जब रीडिंग कराता हूँ तब भी आप लोग भी मेरे साथ साथ रीडिंग करना, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू।